जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के सपोर्ट से हम लोगों का जो चैनल है 450 पार हो चुका है और कुछ ही दिनों में 500 सब्सक्राइबर पूरने वाला है, ठीक ना। चलिए तो आज देखिए फिर हमसे बात करने चले आए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डे 4। आपके लिए एक बात के लिए सॉरी बोलेंगे कि भैया कल का जो डे 3 था ना, एक मिस्टेक से पहले जो मॉर्निंग में वीडियो डाले वो बिना एडिट वाला वीडियो डाला गया और एडिट वाला वीडियो नहीं डाला सका, तो फिर बाद में हम डाल दिए, ठीक ना। वो जाकर देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा आप लोग इरिटेटेड होंगे कि थोड़ा भैया क्या डाल दिए, थोड़ा आवाज़ आई उसमें है ना, कट नहीं कर पाए। चलिए तो वो थोड़ा उसके लिए सॉरी। मतलब क्या है कि चलिए आप अगर मान लीजिए जो भाई चैनल पर नए आए हैं बिहार बोर्ड से 12th के, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप ही के लिए चैनल और बेहतर तैयारी के लिए, ठीक ना। चलिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डे 4 में बात करते हैं। क्या बात कर रहे थे कि भैया अल्काइल हैलाइड बनाने के प्रक्रिया कथी कथी, रिएक्शन में आ गए थे, रिएक्शन के दुनिया में आ गए थे कि अल्काइल हैलाइड बनाने के तरीका कौन कौन है। एगो चीज, पहला जो तरीका रहे कथी से रहे, एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड के नाम रही, पहला तरीका था, पहला कहते रही, पहला सबसे पहला। अहू में पहला कथी रहे, जब कोई आर ओ एच कर कथी अल्काइल अल्कोहल कोई भी रहे, आर के जगह पर CH2 कुछ भी आ सकै छै, यानी कि वो आर मीन्स अल्काइल ग्रुप। जब कोई अल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अभिक्रिया करित रहले नी, केकरा उपस्थिति में, ZnCl2 के उपस्थिति में, तो ओ देत रहलै अइबा के आर, अइबा के एक्स, तो आर एक्स, आ एबा के एगो एच, एबा के एगो एच, तो दू गो एच आ एगो ऑक्सीजन, ई बनित रहलै कि ना, बतावा कार्बन रिएक्शन बतैले रहलै कि ना। तो हमरा अल्कोहल वाला ग्रुप के हाइलाइट के साथ, हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अभिक्रिया करबै तो ZnCl2 के उपस्थिति में तो अल्काइल हैलाइड मिल जाइत रहै, फेर हमरा अल्काइल हैलाइड हमरा इहे ना बनाबे कोइ चली हो अल्काइल हैलाइड। अच्छा, ई पहला बात हो रहल ना। दूसरा रिएक्शन हम पढ़ने रही कि जब कोई अल्कोहल ओ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ अभिक्रिया करै छै ना, केकरा उपस्थिति में, तो पाइरिडीन के उपस्थिति में, तो अइबा के आर, अइबा के ओ सी एल, तो आर सी एल हो गेलै ना। अच्छा, अइबा के ए, अइबा के एगो एच, अइबा के सी एल, तो एगो एच सी एल, आ प्लस में अइबा के एगो 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 एस, यानी कि SO2 की बनी छै कि ना। अहू में देखलियै कि अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करके अल्काइल हैलाइड बनौलै कि ना, अल्काइल हैलाइड बनौलै कि ना। तो ई दूसरका तरीका रहलै। अब चला तीसरका तरीका के तरफ बढ़ै छी, आ तीसरका तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है, चौथो तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चला अब आ तीसरका तरीका में ROH समझिया, ई तो हो गेलै, एकरा मिटा दै छी। चलो तब अगला कथी बात करे के अल्कोहल से बनाबे के, आ तीसरका जे पढ़े के अल्कोहल से, तीसरका जे पढ़े के ओ वाला करा दे के रिएक्शन करा दे के PX3 के साथ, यानी कि रिएक्शन विद PX3, रिएक्शन विद PX3 कर समझा, टी कर फॉस्फोरस, X3 कर क्लोरीन ब्रोमीन कुछ होतै, तो हमरा अल्कोहल रहतै आ ई रहतै, आ दोनों के रिएक्शन करा के हमरा अल्काइल हैलाइड बनाबे के, यानी कि RX बनाबे के। चलो ROH है अल्काइल अल्कोहल है, एगो कथी PX3 है ना। अच्छा, अइ दोनों के अभिक्रिया करा के हमरा हरेक हाल में बनाबे के कथी है अल्काइल हैलाइड, यानी कि हमरा हरेक हाल में बनाबे कथी RX बनाबे के ना। अइबा के R उठावा, अइबा के X उठावा, चलो RX हो गेलै ना। अच्छा, लेकिन अइबा के जिम तीन गो X छी, तो अइबा अगर मान लाम तीन से गुणा करबै तो ई तो तीन गो हो जेतै, लेकिन ई आर तीन गो हो जेतै, आर तीन होतै ना, तो आर तीन गो होतै तऽ एकरा तीन से गुणा करा, अइबा तीन से करे पड़तै। जब ये अजन तीन से गुणा करबी ना, तो तीन गो आर तो हो गेलै, लेकिन तीन गो ऑक्सीजनो हो गेलै, तीन गो हाइड्रोजनो हो गेलै, आ अइबा तो पी एगो अकेले है। तो देखो आप एक अभिक्रिया समझा, हम पहले केना करबै, ई आर रहलै, देखो पहले समझ ध्यान से, ई आर रहलै, ई एक्स रहलै, तो हमरा से एगो आर एक्स के उठा के ले गेली, लेकिन एक्स बात कहै छी तीन गो छी ना हमरा, तो हम कहै छी हम कहली ना कि कैला एक्स के बाद जगह जगह दोसर जगह बेलगा बेलगा के, जो कि एक ही तो रहतै ना, एक ही तो रहतै, तीन से डायरेक्ट गुणा कऽ दै छी, तो अइबा तऽ एक्स तीन गो एक्स आ गेलै, तऽ एक बेर ई खत्म हो गेलै पूरा टर्म, तीन गो एक्स आ जाऊ, तीन गो एक्स आ जाऊ, लेकिन अइबा तीन गो आर हो जाइ छी ना, आ जे एक बेर एक गो आ गेलै, तऽ तीन से जाऊ गुणा करबै तबे ना तीन गो आर। आब दिक्कत की होइ छै कि तीन से जब एक बार से गुणा करै छी, तीन गो आर, तीन गो ऑक्सीजन, तीन गो हाइड्रोजन होइ छै, आ एने खाली एगो पी बचलै, तऽ आब एना की कह सकै छी, एबा कै गो हाइड्रोजन बचलै, तीन गो H3 हो गेलै, आ ओकरा बाद एगो पी बचलै H3P, आ ओकरा बाद ओ कै गो बचलै, तीन गो H3PO3। तऽ ई बात के याद रखिया, जब अल्कोहल है ना, अल्कोहल जब अल्कोहल अल्काइल अल्कोहल PX3 के साथ गरम कैल जाइ ना, तऽ अल्काइल हैलाइड तऽ दै छै, केना नाम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड तऽ दै छै, ओकरा साथ साथ H3PO3 दै छै। उदाहरण समझा CH3CH2OH, एकरा मालूम है, इथाइल अल्कोहल नाम है। चला
PCl3 के साथ अभिक्रिया करबै छी गरम करै छी कथि देखि चला अइबा के ई आर ग्रुप ह आ इहे न OH लटकल ह अच्छा ई कथि ह ई पी ई पी ह आ एक्स वाला ग्रुप ह चला त एकाले चला अइबा के आर ग्रुप उठा के ले चला त CH3 CH2 हो गेलै आ ई जाके बा Cl लटक जतै त Cl हो गेलै न अच्छा अब लेकिन अगर मान ला एबा एबा अगर हम एका बैलेंस न करबी त बैलेंस करबी त कोई बात नै एकरा हम 3 से गुणा करै छी कहला 3 से गुणा करबी न त 3 से गुणा करबै त ई जे पूरा ई जे 3 से गुणा करबै त ई पूरा टर्म जे ई आर है आ ई एक्स है त आरो 3 गो हो गेलै एक्स 3 गो हो गेलै त एक्स त एबा 3 गो है यानी क्लोरीन 3 गो हो गेलै त क्लोरीन त जमो 3 गो जमो 3 गो हो गेलै त ई त क्लोरीन 3 गो बा त हो गेलै लेकिन इहो का जे 3 गो हो गेलै त ओहि लागि अइ जमो 3 से गुणा करे होतै त अइ जे 3 से गुणा करे पर ई जे आर है 3 गो त हो गेलै लेकिन ऑक्सीजनो 3 गो हो गेलै एट हाइड्रोजनो 3 गो हो गेलै लेकिन ओते तो बैलेंस न पर है ई सब बैलेंस करे के मामला है सीधे तो याद रखिया कि जब कोई आर एच पी एच के साथ अभिक्रिया करै छै त आर एच दै छै H3PO3 दै छै त H3PO3 लिखदा H3PO आ X3 का जहाँ पर था क्लोरीन थी सॉरी PO3 हो गेलै ना ये याद रखिया जैसे एक समझा CH3CH2CH2OH ठीक ना प्लस में PCl3 के साथ अभिक्रिया करेली तो कथी बनते मालूम CH3CH2CH2 आएगा Cl बनते प्लस में H3PO3 बनती है बनती मत कि ना आसान रहो कते आसान रहो तो तीसरका अभिक्रिया जब कोई अल्काइल अल्कोहल PX3 के साथ अभिक्रिया करता है तो अल्काइल हैलाइड देता है और प्लस में H3PO3 देता है तो व्हेन अल्काइल अल्कोहल रिएक्ट विद PX3 टू गिव अल्काइल हैलाइड एंड H3PO3 या जब हिंदी में जब कोई अल्काइल अल्कोहल फास्फोरस यानी कि फास्फोरस हैलाइड के साथ जब कोई अल्काइल अल्कोहल यानी कि PX3 के साथ अभिक्रिया करता है यानी कि गर्म करते हैं तो उसे वो अल्काइल हैलाइड देता है और साथ में H3PO3 देता है हो ना या उदाहरण के एग्जांपल समझा दे समझा दे एग्जांपल चलो एग्जांपल समझा तो ई हो गेल तीसरका पहला कथी से कलर मानम अल्काइल अल्कोहल पहला अभिक्रिया कर रहली HX के साथ तो अल्काइल हैलाइड दे रहली दूसरका रहली अल्काइल अल्कोहल यानी कि आर आर ओ एच रहले उ SO2 के साथ कर रहली आ तीसरका जे हो गेलो RX आर ओ एच है जे कथी के साथ PF3 के साथ अब अगला जे लास्ट रहतै जे आर आर ओ अल्काइल अल्कोहल PX5 के साथ अभिक्रिया करती चला यहाँ पर आबो यहाँ देखो क्लियर बोलो एकरा में तो अभी छु एकरा में टाटा देखा अगला बस हल्का खाली अंदर हल्का अब रिएक्शन करावे कि हमरा PX5 चल अल्काइल अल्कोहल हो गेलै PX5 के साथ अभिक्रिया करबै छै चल अपन बता ई आर है आ ई एक्स है त एगो आर एक्स जाके खत्म हो गेलै हो गेलै ना चल अइबा के एगो एच है अइबा के एगो एक्स है त ई जाके और खत्म हो गेलै HX खत्म हो गेलै ना बच कथि गेलै अइबा के एच खत्म है अइबा से दू गो एक्स खत्म है कला कि एगो एक्स दू गो एक्स खत्म है अइबा से एच खत्म बच एन आर एन खत्म बच गेलै पी ओ आ एक्स अइबा तीन गो अर्थात बचि सकत मानु पी ओ एक्स के याद रखिया इहे सब काने के चीज है के ना त एकटा एना बोलवाई कि जब कोई अल्काइल अल्कोहल रिएक्शन करता है PX5 के साथ तो अल्काइल हैलाइड देता है साथ में हाइड्रोजन हैलाइड देता है और प्लस में PO3 देता है एग्जांपल समझा एग्जांपल आर जैसे कि ना CH3 CH2 ओ अच्छा प्लस में PCl5 एकरा गरम करबै ना त पता बा ई त आर वाला ग्रुप है चला उठा दा एकरा एकरा लगा दा ई एकरा लेके भाग गेलै CH2 हो गेलै यहाँ पर Cl लाग गेलै ना अइ बात के एगो एच एगो Cl कौन लेके भाग गेलै एगो एच एगो Cl लेके भाग गेलै बचली कथी त एने खाली एगो ओ आ एगो पी एला तीन गो Cl अर्थात पी ओ Cl की मात्रा बतो कि ना बता भाई बन गेलै वही वही पैटर्न न पढ़ा एकदम एकरा बता एकरा CH3 एकरा बता CH2OH प्लस में PCl5 के साथ अभिक्रिया करते तो बनती कथी तो CH3CH2CH अइबा के ई OH जहाँ पर खाली आ गेलै वो Cl आ गेलै OH जहाँ पर Cl आ गेलै आ प्लस में एगो OH Cl के लेके भाग गेलै तो Cl हो गेलै आ प्लस में PO Cl3 यहाँ तक समझ में आ गेलो ना तो चार गो विधि बना लेते पहला तरीका कथी रहले पहला तरीका रहले कि अल्काइल अल्कोहल जब है ना जे अल्काइल अल्कोहल उ केकरा साथ अभिक्रिया करै छै अल्काइल अल्कोहल जे ह उ हम तोरा देखा चार उपचार यहाँ तक समझ में आ गेलो ना चार हम लिख दै छियै एके बेरी में चला ये ट्रिक हॉट इलेक्ट्रॉन जे का दे रहल छौ ओकरा खाली याद रखा बस ई सब हो गेलै खेला खत्म
केला खत्म केला समझा। अल्कोहल से हमरा बनाबे कथी याद रखा, अल्कोहल से बनाबे कथी है आरएक्स बनाबे के, आरएक्स आरएक्स बनाबे के ना चार गो बेदी ट्रिक समझा, ट्रिक की बात याद रखा ट्रिक ना बल्कि उनका शॉर्ट टेंशन दे दे छै ना आर ओ एच आर ओ एच आर ओ एच आर ओ एच ये चार गो रहलो। चला पहला अभिक्रिया एच एक्स के साथ, पहला दूसरा अभिक्रिया एसओ सी एल टू के साथ, तीसरा अभिक्रिया पी एक्स थ्री के साथ, चौथा अभिक्रिया पी एक्स फाइव के साथ हो गलो ना। चला बताबा एकरा सा एक 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 एकरा उपस्थिति में करी छै एच एक्स साथ कर बीजेन सी एल टू के उपस्थिति में त कथि बनै छै अइबा के आर अइबा के एक्स आर एक्स आ प्लस में कथि बनतै ए ओ एच दू गो एच ए ओ हो गेलै ना। चला एकरा एक एकरा उपस्थिति में करी छै पाइरीडीन के उपस्थिति में, यानि डीन ई आर है अइबा के सी एल यानि कि आर सी एल आ प्लस में अइबा के ए ओ एच सी एल आ अइबा के ए ओ कथि एसओ टू बनतै कि ना केना बनि देखला अइबा के आर अइबा के ए ओ सी एल आर सी एल सीएल हाँ देखा अइबा के एगो एच अइबा के एगो सीएल एच सीएल अइबा के एगो ओ एगो ए दू गो एगो एस तो एसओ टू गैस बन गेलो बन रहा। तीसरका चला तीसरका गरम कैली केना कर कैली आर आ एगो एक्स आर एक्स बन ली ना आ प्लस में एकरा तीन से गुना कर द तीन से गुना कर द आ निकल बची छी एच थ्री पी ओ थ्री एकरा बैलेंस करवा तेना बनतै। अच्छा चल एकटा पाँचवा पाँचवा बताबा चौथा बताबा केना बनतै आर एक्स बनती ना एगो आर एगो एक्स एगो एच एगो एक्स यानी कि एच एक्स आ प्लस में बनती कथी पी ओ एक्स थ्री। बस ई चार गो याद रखा खत्म हो गई। अल्कोहल से हाईलाइट बनाबे की है चार गो प्रोसेस, ई जे पहला प्रोसेस है ना एकरे नाम ग्रोप्स प्रोसेस, ग्रोप्स प्रोसेस कथ कथ नाम एकर ग्रोप्स प्रोसेस। दूसरा जे नहीं एकरे नाम दुर्जंस प्रोसेस, कथ नाम दुर्जंस प्रोसेस दुर्जंस प्रोसेस दुर्जंस प्रोसेस या प्रक्रिया हिंदी में वो है ग्रोप्स प्रक्रिया दुर्जंस प्रक्रिया। ये चार गो अल्कोहल से आर एक्स बनाबे के देखो हर एक खाली नारेक्स बनै छै आर एक्स आर एक्स आर एक्स आर एक्स। अल्कोहल से आरएक्स बनाबे के है चार गो विधि आ चारों विधि हम तोरा बता दिलो समझ में आ गेलो तो बिल्कुल समझ में आ गेलो तो एकरा अलावा कहीं तोरा डाउट न रहलो तो बता दिया एकदम वीडियो कमेंट जरूर कीजिया आ बतिया केना लगै छै वीडियो आ एकरा बाद फिर अगला तरीका लेके अभी एकरा बाद फिर आगे पढ़बी ठीक ना। एहि वीडियो में इतना ही और जरूर आगे से पढ़ेके प्रयास करबी ठीक ना। तब तक ले जय हिंद जय भारत मिलते किसी अगला वीडियो में जय हिंद जय भारत।